कांग्रेस का टिकट हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो दिग्विजय सिंह को वहां से टिकट मिल गया, इसमें पाकिस्तान की खुशियां मनाई जा रही। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोल खोल दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खुशियां बनेंगी अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री भारत के बनते। ये पूरे तरीके से कहते कुछ है करते कुछ है। इसी भोपाल शहर के भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना आईएसआई की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पैसे लेकर खुफिया गिरी कर रही थी, कर रहा था। साथ में 6-7 और भी बजरंग दल भाजपा के नेता उसके साथ कर रहे थे, तो पकड़े गए। किसने पकड़ा? मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उस पर देशद्रोह का केस नहीं बना। मैं आपसे कहना चाहता हूं भोपाल शहर को तबाह कर दिया इन लोगों ने। हालात ये हैं, जिसकी मर्जी में आया उसने मकान बना लिया, कॉलोनी काट दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, ना पानी की व्यवस्था ना सीवेज का सही प्रकार का डिस्पोजल, क्योंकि मास्टर प्लान ही नहीं लाए। 1995 में मेरे कार्यकाल में मास्टर प्लान आया था और 2005 में मास्टर प्लान आना चाहिए था, नहीं लाए। 2015 में भी लाया है। आज हालत यह है कि 350 से ज्यादा कॉलोनियां यहां नगर निगमों उनको नहीं ले रहा है। 700 संगीर भाई ज्यादा जानते हैं, शायद 700। और उनमें क्या हो रहा है कि सोसाइटी के लोगों को बल्ब में पानी दिया जा रहा है और वो महंगा पानी लोगों को बेच रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल के साथ अन्याय किया। भोपाल इतना सुंदर शहर, उस सुंदर शहर को ये लोग तबाह करने में लगे हैं। मुझे अवसर मिला है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप मेरे कार्यकर्ता हैं, आप मेरे चुनाव में पोलिंग बूथ पर बैठे थे, आपको अपने वोट डलवाने हैं। जो फर्जी वोट आते हैं वो रुकवाना है। किसी प्रकार का हमको झगड़ा फसाद नहीं करना, शांति से पोलिंग करवाना है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कहा शिवराज चौहान को कि आप चुनाव लड़ लीजिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं लड़ना। फिर उमा भारती से कहा, उमा भारती ने कहा मुझे भी नहीं लड़ना।